पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरुचरण सिंह कई दिनों से लापता है। दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। गुरुचरण के लापता होने की खबर 26 अप्रैल को सामने आई थी। उनके पिता हरगीत सिंह ने इंडिया टुडे आज तक संग बातचीत में इसे कंफर्म किया था। अब तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने गुरुचरण सिंह के बारे में बात की है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक असित मोदी तक गुरुचरण सिंह के गुमशुदा होने की खबर पहुंच चुकी है। इस खबर को सुनकर वो हैरान रह गए हैं। असित ने उन दिनों को याद किया जब गुरुचरण उनके शो में रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाया करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुचरण के साथ उनका रिश्ता अच्छा था। असित मोदी ने कहा, ये बहुत दर्दनाक और शॉकिंग खबर है। वो अपने परिवार से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। हमारा कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं था, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कोविड के दौरान तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे अच्छे रिश्ते थे। असित ने ये भी उम्मीद जताई कि गुरुचरण सिंह ठीक होंगे। उन्होंने कहा, गुरुचरण हमेशा मुझे मुस्कुराते हुए मिलते थे। उनका गायब होना हैरानी की बात है। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। अभी मामले में जांच हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो सेफ हो और जल्द अपना फोन कॉल उठाने लगे। फिलहाल असित मोदी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।